ઉમરગામ તાલુકાના દહાળ ખાતે ઓન રેસીડેન્શિયલ પાર્કમાં લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરગામ દ્વારા ફનફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બે દિવસના આ કાર્યક્રમમાં ડાન્સ કોમ્પિટિશન તેમજ સરગમ મ્યુઝિકલ નાઇટ ઓર્કેસ્ટ્રા દ્વારા ગીત સંગીતનો કાર્યક્રમ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે આ કાર્યક્રમમાં ડાન્સ કોમ્પિટિશનના વિજેતા બાળકોને ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરગામના પ્રમુખ ગણેશભાઈ બારી તથા સેક્રેટરી દીપક પંચાલ સહિતના સભ્યોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી સફળ બનાવ્યો હતો. यहाँ के सारे डांस आर्टिस्ट को वर्ती का जहां को पहचान दोगे, उनका कहा हुआ सेंटेंस एक कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. और एक कहना चाहूंगा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. यही टाइम है, गो रॉक गो हार्ड वर्क एंड मेक इंडिया प्राउड. यहाँ पे सभी ऑडियंस आर्टिस्ट सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट एम, आपका सबसे बड़ा हेतु क्या है, लाइफ का कोई हेतु है, नहीं है तो अपने आप से पूछो. वैसे मेरा एम है कि मैं मेरे भारत को, मेरे भारत देश को पूरे जहां में जिनकी वजह से भारत का नाम हो ऐसा कुछ करूं. तो भारत माता की एंड लास्ट प्यारी ऑडियंस, ठीक है मेरी प्यारी ऑडियंस, हर एक आर्टिस्ट मैं यहाँ पे हुए सारे आर्टिस्ट को अगर वैल्यू देते हैं तो आप लोग, इसलिए आई लव यू ऑल. एक ऑडियंस के बिना आर्टिस्ट की वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए मेरे लिए आप सबसे पहले हो. और जाते जाते सबसे कहना चाहूंगा कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुद आके तुमसे पूछे, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है, ए बंदे बता तेरी इच्छा क्या है. जय हिंद जय भारत. थैंक यू. तो लेखक जरूर होते सर. चलिए आगे बढ़ते हैं और 2000 रुपया जो हमारे माननीय सम्माननीय यहाँ पर गणेश भाई बारी की ओर से, थैंक यू कैश लायंस क्लब ऑफ उमरगांव की ओर से 1500 ये लीजिए, धन्यवाद. और 2000 रुपया ईश्वर भाई जी की ओर से, ये रहे आपके. थैंक यू सर. थैंक यू.